बोलिए हारने वाले थे रागिनी, इसीलिए देखिए गडकरी जी को ऑफर दे दिया, डेस्परेशन। देखिए मानक, सबसे पहले तो जो ये आप सवाल आनंद दुबे से पूछ रहे थे, कौन हो सकता है हेगड़े जी जो चुस्कियां ले लेकर यहाँ पर राजनीतिक एक गंभीर बहस का सरलीकरण कर रहे थे, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये कहना चाहिए कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, जो आज आपके चैनल से भाग खड़े हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि दाल में कुछ काला है और चोर की दाढ़ी में तिनका है। अब ये मत कहिएगा कि भैया ये तो मोदी जी की भी दाढ़ी है तो आप मोदी जी की दाढ़ी में ही तिनका बता रही हैं, क्यों बता रही हैं, ये प्रोग्राम तो गडकरी जी के बारे में था। मुख्य मुद्दा ये है कि बोला ये आज बहस इसलिए हो रही है क्योंकि एक स्टेटमेंट आया भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की तरफ से कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही नहीं थे, वो भी थे क्योंकि कहीं ना कहीं से उन्हें समर्थन मिल रहा है, पूरा का पूरा आशय ये है। लेकिन इस पर बोलने के लिए ना तो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने कोई इसकी समीक्षा नहीं की, कोई इस पे कोई अपनी टिप्पणी नहीं दी, ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। अब यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा है कहीं ना कहीं, मैं तो कहूंगी एंकर से लेकर जितने तीन लोग आपने एक ही एनडी गठबंधन के बिठाए हुए हैं, तो ये जो एनडी गठबंधन है उसके लोग लगातार अंधेरे में तीर मारे जा रहे हैं। अच्छा, आपने और ये चाह रहे हैं विपक्ष के ऊपर लग जाए, बड़ा गलत है। अच्छा, आपने पर मैं दो बातें और कहना चाहती हूँ। आपने एक और काम किया, जैसे ही मेरा पहला वक्तव्य खत्म हुआ आपने कहा कि अब देखिएगा आनंद दुबे बिल्कुल अलग बोलेंगे, आनंद दुबे बिल्कुल गलत बोलेंगे। आरोप आपने हम पे लगाया कि हम एनडी और बीजेपी के बीच में एनडीए भी नहीं, इंडी कहेंगे तो मैं एनडी अलायंस बोलूंगी, तो जो एनडी अलायंस है उसके और हमारे और भाजपा के बीच में हम सिर्फ फटोल कराना चाह रहे हैं, और आपने दरारें डालनी शुरू कर दी इंडिया गठबंधन के साथियों के बीच में, जो कि हुआ नहीं। आनंद दुबे जी ने बड़ी साफगोई के साथ कहा कि राहुल गांधी सर्वमान्य नेता है, पर अब उससे एक कदम और आगे बढ़ते। अब आप देखिए एक समस्या ये भी है, ये कह रहे हैं मोदी जी बड़ा अच्छा, मोदी जी करना पड़ेगा, मोदी जी अभी तो प्रधानमंत्री वही है, पर आज 100 दिन हो गए सरकार के मानक, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इस तरफ भी नजर डालिए कि सरकार चल कैसे रही, क्योंकि सरकार चलेगी कि नहीं ये इससे पता चलेगा कि सरकार चल कैसी रही है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो इस 100 दिनों में 38 बड़े ट्रेन हादसे हुए जिसमें 21 लोग मरे, 56 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट ध्वस्त हुए, उसमें जबलपुर से लेकर राजकोट तक का एयरपोर्ट था जो पहली बारिश नहीं झेल पाया, शिवाजी महाराज की बड़ी मूर्ति थी जो कि 8 महीने में ध्वस्त हो गई, इसमें 18,000 करोड़ की लागत का अटल सेतु भी था जिसमें दरारें पड़ने लग गईं, 26 बड़े आतंकी हमले हुए जिसमें 21 सैनिक मारे गए, 15 नागरिकों की मौत हुई, 8 महीने में बेरोजगारी सबसे ऊपर जाकर पहुंच गई है, FDI 43% घटा है, टोल टैक्स 15% बढ़ा है, कमर्शियल LPG से लेकर CNG से लेकर आटा दाल दूध दही घी सबका दाम बढ़ गया, सेबी अडानी के महा घोटाले सामने लगातार आते जा रहे हैं, लद्दाख में चीनी अतिक्रमण की खबर आ रही है, हजारों लोग दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं, 16 महीने से मणिपुर जल रहा है और मोदी जी चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। ये 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड है, कितने दिन ये सरकार चलेगी ये मुझे नहीं, मैं जनता के विवेक पर छोड़ती हूँ, पर एक बात जरूर कहूंगी कि अगले 5 प्रदेश जहां पर चुनाव होने वाला है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, इन 5ों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नील बटा सन्नाटा सुपड़ा साफ होने वाला है। उसके बाद आपको पूछना नहीं पड़ेगा, नितिन गडकरी खुद ही बाहर आकर कहेंगे कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मोदी जी विफल प्रधानमंत्री हैं, मोदी सरकार नकारा और निकम्मी सरकार। प्रोफेसर विनीत सिंह।